सो दोस्तों आपको करना है बस 3 सेटिंग, उसके बाद आपका जो इंटरनेट स्पीड होगा वो इतना फास्ट चलेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं टेक्निकल डिमांड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले नेटवर्क इंटरनेट जो स्पीड है उसके बारे में, जो कि कैसे हम स्पीड अपना बढ़ाएं। इस समय सारे लोग घर पर रह रहे हैं तो इंटरनेट जो कि है बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो स्पीड जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया है हम लोग का इंक्रीज करने के लिए। चलिए हम इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं कि वो 3 सेटिंग कौन सा है, इसको आप करने के बाद आपका जो इंटरनेट स्पीड होगा वो काफ़ी हद तक बढ़िया हो जाएगा, जो कि पहले के अनुसार बहुत तेज आपका इंटरनेट चलेगा। और आपका अगर फ़ोन हैंग हो रहा होगा तो भी आपका ठीक रहेगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम 3 ग्रुप में बांटे हैं। पहला हम सेटिंग जो बताने जा रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउजर में, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आप लोग 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे सेटिंग में, जो कि नीचे में देखिए आपको दिखा रहा है, नीचे में देख सकते हैं तो दिखा रहा है सेटिंग। आप उस पर क्लिक करने के बाद नीचे में देख सकते हैं साइड सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, पहले आप उसमें जाएंगे। उसमें जाने के बाद आप स्टोरेज में, जो नीचे देखिए जाके यहाँ पे देखिए स्टोरेज का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिएगा। आप क्लिक करने के बाद आप जाएंगे, देखिए नीचे में दिखा रहा है बहुत सारे जितना भी हम लोग यूज करते हैं रेगुलरली, गूगल का या यूट्यूब का, जो भी हम लोग सर्च करते हैं या सर्चिंग, जो भी जहाँ से भी हम लोग सर्च करेंगे कोई भी सर्च इंजन में, तो गूगल के द्वारा तो हम लोग का जो सर्च इंजन जो सर्च लिस्ट होता है वो टोटली इसमें आ जाता है, हम लोग उसको डिलीट नहीं करते हैं। दोस्तों इसको यहाँ से आप क्लियर डाटा करें, यहाँ देखिए नीचे में क्लियर डाटा करने के लिए आ रहा है, क्लियर डाटा कर दीजिए। आप क्लियर डाटा करने के बाद आप बैक हो जाइए। दोस्तों बैक होने के बाद देखिए उसी ऊपर में, उसी लिस्ट में देखिए ऊपर में एक और ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड साइन का, उस पर आप क्लिक कीजिए। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों ऑन है, तो इसको आप ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद आप बैक हो जाइए। बैक होने के बाद आप आ जाइए डिस्प्ले पे, उसके बाद आप जाइए जो दूसरा सेकंड सेटिंग है मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरा सेटिंग आपको अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा आप बैक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों हम बताते हैं दूसरा सेटिंग। पहले आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है कनेक्शन सेटिंग में, जो कि आप देख सकते हैं नेटवर्क कनेक्शन जो होता है। उसमें जाने के बाद आप जाएंगे APN में, आप देख सकते हैं APN में आप यहाँ पे देखिए जो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं हम, तो APN में जाने के बाद आप जो जियो 4G आपको दिखा रहा है। दोस्तों पहले आपको मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका एयरटेल का सिम होगा तो वहाँ माई एयरटेल लिखा होगा या एयरटेल लिखा होगा, या आइडिया का होगा तो आइडिया लिखा होगा। तो दोस्तों उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे नीचे एक सर्वर का ऑप्शन आ रहा है जो कि डिफ़ॉल्ट है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। दोस्तों आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको www.google.com आपको कर देना है, और उसके बाद आपको 3 डॉट पे जाकर साइड में सेव कर देना है उसको। दोस्तों ध्यान रखिएगा आपको सेव जरूर करना है, अगर सेव नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा करने से। दोस्तों इस सेटिंग को सेव करने के बाद आप बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद आप चले जाएंगे डिस्प्ले पे, उसके बाद आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद फिर से आप अगर फ़ोन को ऑन करते हैं तो आपको तीसरा सेटिंग आपको वहीं पे करना है। तो चलिए हम तीसरा सेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि फिर से आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना सर्च करना है ऊपर में डाटा सेवर। डाटा सेवर का सर्च करने के बाद देखिए कि दोस्तों आ रहा है डाटा सेवर को, उसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद आप फिर से आप बैक हो जाइए। बैक होने के बाद अपने फ़ोन को फिर से आप रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद अगर सच में दोस्तों ये जो ट्रिक है बहुत बढ़िया काम कर रहा है दोस्तों, अगर ये ट्रिक इतना मैंने खुद अपने फ़ोन पर ट्राई किया है, जो ये ट्रिक है बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। अब अगर आपका स्पीड नहीं बढ़ता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको दूसरा ट्रिक बता दूंगा आपके फ़ोन के लिए।
तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।